हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं आपके सामने एक फिर से एक नए टूल के साथ आया हूँ। तो इस टूल का नाम है एंड्रॉयड मल्टी टूल्स वर्जन 1.0। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया है, तो उस लिंक के मदद से आप ये टूल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए। एक बार जब टूल डाउनलोड हो जाए तो आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक बार जब एक्सट्रैक्ट हो जाए तो फोल्डर खोल लीजिए और वहाँ पे एंड्रॉयड मल्टी टूल्स वर्जन 1.0.exe फाइल को डबल क्लिक कर ओपन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि एक कमांड विंडो की तरह ये टूल खुल के हमारे सामने आ गया है। ये टूल बेसिकली हमें मदद करता है बैकअप लेने में। बैकअप आप ले सकते हैं, सिस्टम का बैकअप, एक तरह से पूरे सिस्टम का आप सिंगल क्लिक में बैकअप ले सकते हैं। ये टूल सपोर्ट करता है ऑल विनर चिपसेट को, रॉक चिपसेट को, MTK चिपसेट को। तो बेसिकली आप इनमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। तो आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं चूज़ करता हूँ थर्ड ऑप्शन, जो कि MTK है। MTK मतलब मीडिया टेक। अगर आपके फ़ोन में मीडिया टेक चिपसेट लगा हुआ है तो आप आसानी से इस टूल की मदद से बैकअप ले सकते हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड से 3 प्रेस कर रहा हूँ और इंटर बटन को अब दबा दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मीडिया टेक फर्मवेयर बैकअप का जो एक तरह से कमांड विंडो है वो खुल के आ गया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपना मीडिया टेक का फ़ोन आपके अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। जब एक बार फ़ोन कनेक्ट हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड से वाई बटन प्रेस कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे वाई बटन प्रेस कर रहा हूँ, अब मुझे एंटर बटन दबाना है। तो मैं एंटर दबा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ADB प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे एरर आ चुका है कि डिवाइस नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने अपना कोई भी फ़ोन अभी कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं किया था, इसलिए यह एरर आया है। अगर मैं यहाँ पे अपना फ़ोन कनेक्ट कर दिया होता मैंने, तो ये टूल बेसिकली बैकअप लेना स्टार्ट कर देता। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।